बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इससे पहले कलेक्ट्रेट पर सभा हुई और वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों को रबी में 60 घंटे बिजली मिले, बिजली की कटौती जो हो रही है वो ट्रिपिंग बंद हो, पीसीआर जो गलत तरीके से भरी है वो सेटलमेंट हो, उनका बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे दुर्घटनाओं में जो मौतें हुई है बिजली की उनको पूरा पैसा मिले, एक जो ऑडिट हम करवाना चाहते हैं सौभाग्य योजना की, जिसमें करोड़ों रुपए मेवाड़ के अंदर पहाड़ी क्षेत्र में सौभाग्य योजना के नाम के दुनिया भर के पैसों की लूट हो गई, उसकी हम एक टीम बना के जांच करना चाहते हैं। भ्रष्टाचारी बाहर आने चाहिए और बिजली के खेल के अंदर जो गोरख धंधा चल रहा है उसकी भी हम जांच करना चाहते हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि किसान तकलीफ नहीं पाए, रात की बजाय किसान को दिन में बिजली मिले, इन मांगों को लेकर हमने इसमें डिस्को